आम का पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का आम ले लिया है। अगर वेट से मेजर किया जाए तो ये 300 ग्राम है और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में आम को रख के इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर देंगे और गैस को ऑन करके हम इसकी हाई फ्लेम पे 6 सीटियाँ लगा लेंगे। जैसे ही 6वीं सीटी लग जाए हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जैसे ही कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा आम है वो अच्छी तरह से उबल के तैयार है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे किसी स्पैचुला की मदद से। बहुत ही सावधानी रखें आम निकालते समय, ये बहुत ही गर्म होता है। और जैसे ही आम ठंडा हो जाए हम इसका स्किन पील करके इसका पल्प निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं और इसका पल्प मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से चम्मच की मदद से इसका पल्प निकाल ले। तो ये देखिए ये हमारा जो आम का पल्प है ये रेडी है। तो इसके छिलके और गुठलियों को मैंने अलग कर दिया है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी और इसी में मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है मैंने यहीं पे, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दें और नमक का इस्तेमाल हम स्वादानुसार करेंगे। अगर आपके पास काला नमक अवेलेबल हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिला दें इसे अच्छी तरह से और अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। हमें इस कॉन्सेंट्रेट को स्टोर करके रखना है, इसीलिए हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे कर दिया है मैंने ऐड और इसमें अब हम डाल देंगे पुदीना पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप पुदीने पत्ते का इस्तेमाल किया है। ग्राइंडिंग जार का ढक्कन लगा के इसे हमें सिंपली ग्राइंडर चलाते हुए ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल रेडी है। तो इस आम पन्ने के कॉन्सेंट्रेट को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और आप जब चाहे तब आम पन्ना बना के पी सकते हैं। तो अब चलते हैं आम पन्ना बनाने की प्रोसेस में। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कांच के ग्लास ले लिए हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स और इसी में मैं डाल दूंगी ये आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट डाला है। आप चाहे तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें चीनी और काला नमक भी मिक्स कर सकते हैं ऊपर से, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए ये हमारा आम पन्ना बिल्कुल रेडी है। मिक्स कर दें इसे अच्छी तरह से और अब हम इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से पुदीना पत्ता के साथ। तो ये जो आम पन्ना है वो टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे ठंडा ठंडा खुद को, अपने बच्चों को और गेस्ट को सर्व कीजिए।